हाय, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्थ। तो दोस्तों, इंडिया में 3 सितंबर को लॉन्च होने जा रहा है रेडमी 10 प्राइम। ये रेडमी 10 प्राइम क्या माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 को टक्कर दे पाएगा? देखिए, माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 का प्राइस है अभी इंडिया में 11,500 रुपये से, लेकिन सेल वगैरह में ये अवेलेबल हो जाता है 10,500 रुपये में या फिर 11,000 रुपये में। और रेडमी 10 प्राइम की मैं प्राइस के बारे में बात करूँ, ये भी अवेलेबल होने वाला है इंडिया में 11,000 से 12,000 के प्राइस रेंज में। Xiaomi है भैया, कुछ भी कर सकता है, 12,500 में भी लॉन्च कर सकता है। और रेडमी 10 प्राइम का स्पेक्स वगैरह भी यहाँ पे सामने निकल के आ चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं स्पेक्स के अनुसार माइक्रोमैक्स इन नोट 1 वर्सेस रेडमी 10 प्राइम। तो दोस्तों, आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, तो ये जानकारी चाहिए तो आप लोग को इस वीडियो को देखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बिल्ड और डिजाइन के बारे में बात कर लेता हूं। दोनों ही फोन आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ, और डिजाइन के बारे में आप नीचे कमेंट करके ये बताओ कि डिजाइन आप लोग को बेटर किसका लगा। तो दोस्तों, मैं वेट के बारे में बात करूं तो इन नोट 1 आता है 196 ग्राम के साथ, और रेडमी 10 प्राइम आने वाला है 180 या 185 ग्राम के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब यहां पे मैं बात कर लेता हूं डिस्प्ले की। तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में हम लोग को देखने को मिल जाता है 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी वाला डिस्प्ले। रेडमी 10 प्राइम में हम लोग को मिलने वाला है 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी वाला डिस्प्ले। लेकिन रेडमी 10 प्राइम में हम लोग को 90 हर्ट्ज का पैनल मिलने वाला है, तो यहां पे थोड़ा सा बेनिफिट चला जाता है रेडमी 10 प्राइम को। लेकिन दोस्तों, वहीं मैं सेल्फी कैमरा के बारे में बात करूं तो दोनों ही फोन में हम लोग को पंच होल देखने को मिलता है, लेकिन 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हम लोग को मिलता है इन नोट 1 में, लेकिन 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा मिलने वाला है रेडमी 10 प्राइम में। तो यहां पे थोड़ा सा बेनिफिट चला जाता है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 को। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं रियर कैमरा की। तो क्वाड कैमरा का सेटअप हम लोग को मिलता है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में। पहला 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, दूसरा 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, तीसरा और जो चौथा कैमरा इसमें मिलता है वही 2-2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और डेप्थ सेंसर। लेकिन दोस्तों, वहीं मैं Redmi 10 Prime के बारे में बात करूं तो इसमें भी हम लोग को क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है। पहला कैमरा मिलने वाला है 15 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, दूसरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, तीसरा और जो चौथा कैमरा इसमें मिलने वाला है वही 2-2 मेगापिक्सल का। तो मतलब यहां रियर कैमरा की मैं बारे में बात करूं तो यहां पे लगभग हम लोग को सेम देखने को मिलता है, ज्यादा कुछ यहां पे अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो खैर, चलिए अब मैं बैटरी के बारे में बात कर लेता हूं। तो दोनों ही फोन आता है 5000 mAh बैटरी के साथ, और दोनों ही फोन में 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी यहां पे मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में और मैं बैटरी के मामले में मैं बात करूं तो लगभग यहां पे सिमिलर ही है, ज्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सेल्फी आप लोग को 16 मेगापिक्सल का मिलता है इन नोट 1 में। खैर दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं प्रोसेसर की। तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में हम लोग को देखने को मिलता है मीडियाटेक का G85 प्रोसेसर, लेकिन रेडमी 10 प्राइम आने वाला है मीडियाटेक का G88 प्रोसेसर के साथ। अब आप लोग बोलेंगे कि मीडियाटेक का G88 प्रोसेसर बेटर है। हाँ भाई, थोड़ा सा बेटर है, लेकिन आप लोगों को परफॉर्मेंस जो है लगभग दोनों ही फोन में सिमिलर ही देखने को मिलेगा। मीडियाटेक का जो G88 प्रोसेसर आता है इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट मिलता है, लेकिन G85 में 48 मेगापिक्सल का मिलता है। तो खैर, हमको इससे कोई भी लेना देना नहीं है, दोनों ही प्रोसेसर 12 नैनोमीटर पे आधारित है। और वहीं दोस्तों, मैं अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो 1,97,000 का अंतुतु स्कोर निकल के आता है। मतलब कि थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग दोनों का अंतुतु स्कोर लगभग सेम ही निकल के आता है। और देखिए, इन नोट 1 का बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और फेस अनलॉक का सिस्टम मिलता है, लेकिन दोस्तों रेडमी 10 प्राइम का साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है और फेस अनलॉक का सिस्टम मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में हम लोग को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है, ये स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आता है। इसमें हम लोग को कोई भी फालतू ऐप वगैरह इंस्टॉल देखने को नहीं मिलेगा, और इसमें भैया हम लोग को कोई एड्स वगैरह नहीं देखने को मिलने वाला है। लेकिन रेडमी के सभी फोन में हम लोग को एड वगैरह देखने को मिल जाता है। तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में हम लोग को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है, कोई भी फालतू ऐप वगैरह नहीं मिलेगा और इसमें एड्स वगैरह देखने को ही नहीं मिलेगा। और दोनों ही फोन 53 स्लॉट के साथ आएगा, और एंड्रॉयड 10 के साथ आता है माइक्रोमैक्स इन नोट 1, और लेकिन एंड्रॉयड 11 के साथ आने वाला है रेडमी का 10 प्राइम। लेकिन दोस्तों, एंड्रॉयड 11 का अपडेट जल्दी आने वाला है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में। तो खैर चलिए दोस्तों, अब मैं आ जाता हूं मतलब कि अपना ओपिनियन आप लोग को देना चाहता हूं कि आप लोग को कौन सा फोन को खरीदना चाहिए, इन नोट 1 को खरीदना चाहिए या फिर रेडमी 10 प्राइम को खरीदना चाहिए। देखिए, रेडमी 10 प्राइम
3 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। तो इसका प्राइस वही होने वाला है 11,000 रुपये, 11,500 या फिर 12,000 रुपये, जहाँ रेडमी दाम इसका रखेगा भी तो 12,500 से ऊपर नहीं रखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, दोनों ही फ़ोन में आप लोग को कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। नया प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है Redmi 10 Prime, लेकिन आप लोग को परफॉर्मेंस जो है सेम ही मिलेगा, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 20 और 19.5 का अंतर है। नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया, 19.5 और 20 का अंतर होने वाला है, ज़्यादा आप लोग को कुछ अलग देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है इन नोट 1 में, और यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है। लेकिन दोस्तों 90Hz का डिस्प्ले मिलता है आप लोग को Redmi 10 Prime में, कुछ बेनिफिट आप लोग को मिलता है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में और कुछ बेनिफिट मिलता है Redmi 10 Prime में। तो यहाँ पे आप लोग को डिसाइड करना है, आप लोग को 90Hz डिस्प्ले के साथ जाना चाहिए या फिर आप लोग को विदाउट एड्स वगैरह के साथ जाना चाहिए। और यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का भी सेल्फी कैमरा मिलता है, तो ये आप लोग को डिसाइड कर लेना है। और माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का प्राइस हो जाता है सेल वगैरह में 10,500 रुपये या फिर 11,500 रुपये, जहाँ तक मुझे लगता है Redmi 10 Prime 12,000 तक इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो आप लोग को सस्ते दाम में मिल रहा है भैया माइक्रोमैक्स इन नोट 1, तो आप लोग खरीद सकते हैं, सेल का वेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे और कुछ ज़्यादा अंतर हम लोग को देखने को नहीं मिलने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।